एक सवाल है, हाउ टू बिकम हैप्पी इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, अपर्णा जी ने सवाल पूछा है। तो चलिए आइए सवाल का जवाब थोड़ा देख लेते हैं। और मुझे लगता है ये सवाल भी काफ़ी लोगों का होगा कि हम लोग जिंदगी के हर एक स्टेज में हैप्पी मतलब खुश कैसे रह सकते हैं। एक सवाल दोस्तों कि हम लोग खुश कब होते हैं और हम लोग दुखी कब होते हैं। हम लोग खुश तब होते हैं जब हमारे ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ हो जाए तो हम लोग खुश होते हैं। दूसरा सवाल, हम लोग दुखी कब होते हैं या नाराज़ कब हो जाते हैं या डिप्रेशन में कब जाते हैं। जब कभी भी हमें आपके पास में कुछ ऐसा हुआ है जो अच्छा नहीं हुआ है, उसको अगर हम लोग आज याद करेंगे तो हो सकता है हम लोग आज भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। मतलब पास्ट की कुछ हमारी मेमोरीज़ है जिसको अगर हम आज भी याद करेंगे तो हम लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है, किसने आपको धोखा दिया हो, कोई टेंशन आपको था, किसी चीज़ के कारण बहुत ज़्यादा आप हताश थे, बहुत ज़्यादा निराश थे, कुछ बैड मेमोरीज थी, किसने कुछ आपको कह दिया, अब आप उस चीज़ के बारे में बार 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 सोचते हो और सोच सोच कर आप डिप्रेशन में चले जाते हो, पहली चीज़। दूसरी बात, आज आप बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ओके हो, बिल्कुल पॉजिटिव भी हो, लेकिन किसी ने आपको वो पुरानी यादें अगर याद दिला दी तो उसको याद करने के बाद भी हम लोग उसी सिचुएशन में चले जाते हैं। Are you understanding? Okay, okay. If agree, type करे A, A, A type करे सब लोग। Okay, 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 okay. तो चीजें समझ में आ रही है आपको? मतलब कि कोई भी पुरानी चीजें अगर हमें कोई याद दिला दे तो एक बार फिर से हम लोग उसी back वाले stage में चले जाते हैं। मतलब डिप्रेशन में भी अगर हम लोग जाते हैं तो पुरानी कोई बातें हैं जो अगर हम लोगों को याद आ जाए तो एक बार फिर से हम लोग डिप्रेशन में, टेंशन में, हताशा में हम लोग चले जाते हैं। अब इनका जो सवाल था अपर्णा जी का कि हम लोग जिंदगी के हर स्टेज में खुश कैसे हो सकते हैं, सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर पास्ट की मेमोरीज मतलब भूतकाल की कुछ ऐसी यादें जिसको याद हम लोग करें तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो थोड़ा सोच करके देखो, आपके लाइफ में तो कई सारी ऐसी भी चीज़ें होगी जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जब आप खुशी से भरपूर थे, आपका कॉन्फिडेंस आपके चरम सीमा पर था, जब लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, आपके परिवार में सब लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे, उस चीज़ को अगर हम लोग आंखें बंद करके याद करेंगे तो क्या होगा, हम लोग पॉजिटिव फीलिंग ला सकते हैं, हम लोग हमेशा खुश रह सकते हैं। और दोस्तों देखो, एक चीज मैं मेरी तरफ से आपको बताता हूं, हमें हर समय पॉजिटिव रहना ही रहना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो क्या होगा, अगर आप जानबूझकर पॉजिटिव रहने की आदत नहीं डालोगे तो अपने आप ही आप निगेटिव हो जाओगे। और जितना ज्यादा आप निगेटिव माइंडसेट के साथ में रहोगे ना, आपके साथ में बहुत ज्यादा बुरी और गलत चीजें बार बार होते ही जाएगी। दोस्तों एक और चीज मैं आपको इस कंसेप्ट को समझाने के लिए एक और चीज है जो मैं आपको कहना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, सिचुएशन प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिजल्ट। मतलब कि जो भी कोई चीज आपके साथ में हो रही है वो सेम चीजें कई लोगों के साथ में हो रही है। मतलब सिचुएशन जो आपकी है कई लोगों के साथ में वो सेम ही सिचुएशन होगा। जैसे कि किसी इंसान ने आपको कुछ बुरा या भला कुछ बोल दिया, सिचुएशन एक ही है। अब वो इंसान तो आपको बोलकर चला गया, अब आप उनके वाक्यों को दिन भर दोहरा रहे हो कि उसने मुझको ऐसा बोला। तो क्या हुआ, वो तो अपना काम करके चला गया, लेकिन आप उस इंसान को याद करके बैठे हो और आपने अपना पूरा दिन खराब कर दिया। और दोस्तों दिन की छोड़ो, ज्यादातर लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि ना केवल दिन, महीनों महीनों सालों सालों तक वो उन लोगों को याद करके बैठे रहते हैं कि सर उसने मुझको ऐसा कहा था। अरे भाई वो तो भूल चुका है, लेकिन तुम उसको अभी भी अपने माइंड में लेकर घूम रहे हो। प्रॉब्लम किसे हुआ, हमें ही हुआ है। तो हमें अगर हमेशा खुश रहना है तो हमको क्या करना है, सिचुएशन सेम ही रहेगा उसमें हम लोग कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हो। कोई इंसान अगर आपको भला या बुरा कुछ अगर कह के भी जाता है तो दोस्तों वो कह के हमें जा चुका है, हमें उस इंसान को उस समय ही भूल जाना है। क्यों भूलना है, अपने खुद के लिए भूलना है, क्योंकि आप प्रोग्रेस करना चाहते हो, आप सफल होना चाहते हो, इसलिए हमें उस इंसान को भूलना जरूरी है। तो हमेशा याद रखो, अगर हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है या ऊर्जा से भरपूर और खुश अगर रहना है तो हमें पुराने डायमेंशन को भूलना होगा। कुछ ऐसे डायमेंशन जो हमें दुख देते हैं, जो हमें हमारे लाइफ में थोड़ा परेशानी क्रिएट कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों को अपने खुशी के लिए भूलना पड़ेगा। और कहाँ फोकस करना पड़ेगा, अच्छी चीज़ों के ऊपर। थोड़ा सोच करके देखो, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। मैं चाहता हूं कि हर दिन आप अपने गोल पे अगर फोकस करोगे ना, आपको हमेशा खुशी मिलेगी। थोड़ा सोच कर देखो कि आपका जो लक्ष्य है उसे आप पालोगे तो आपको कैसा महसूस होगा, कैसा महसूस होगा जब सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, कैसा महसूस होगा जब आपके परिवार वाले आपके दोस्तों को बताएंगे कि हमारे बेटे ने, हमारे बच्चे ने वो सब कुछ करके बताया, वो जो जिसके बारे में कुछ बोल रहा था, सुनकर अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सोच कर देखो, जिस वक्त हम उस चीज को करेंगे तो करने के बाद में हमें वो सारी चीजें कितनी ज्यादा बेहतर लगेगी। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हमेशा खुश रहने के लिए दोस्तों हमको हमारे नजरिए को बदलना पड़ेगा। सिचुएशन कभी भी नहीं बदलने वाली, सिचुएशन आपके लिए जो है, मेरे लिए जो है, हर इंसान के लिए सेम ही रहेगी। बस हम उस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो चीज डिसाइड करेगी कि हमें अल्टीमेट टाइम के लिए, लंबे समय के लिए क्या कुछ रिजल्ट मिलने वाला है।
तो दोस्तों हमेशा अगर आप खुश रहना चाहते हो तो वही बात मैं फिर से आपको दोहराता हूँ, आपके जिंदगी में जो भी कोई अच्छी चीजें हुई है उसको आप याद करिए। अब याद करना इन द सेंस आंखें बंद करके, मैं हमेशा कहता हूँ ध्यान में हम लोगों को बैठना है। जब भी आपको लग रहा है कि आप थोड़ा डिप्रेस हो, आप तनाव से पूर्ण हो, आपको दुख कुछ महसूस हो रहा है, तो आंखें बंद करके बैठिए, उन बातों को याद करिए जो बातें आपको अच्छा महसूस करवाती है। हो सकता है आपका कोई दोस्त है, कोई मित्र है, कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई भी ऐसा प्रसंग, उसको आप याद करिए और याद करके आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बार फिर से वो पॉजिटिव इमोशंस, वो पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर आएंगे दोस्तों। तो इट्स वेरी बेटर, हम लोगों को अगर डिप्रेशन से बाहर निकलना है या हमेशा खुश रहना है तो उन विचारों को रेगुलर हम लोगों को याद करना है जो चीज़ें आपको खुशी महसूस करवाती है। तो आई होप समझ में आया सबको। ओके तो अगर समझ में आया है तो सब लोग लिखिए कि एग्रीड एग्रीड एग्रीड। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल।